तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नया वेरिएंट दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार रहे डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो सकता है। आइए जानते हैं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कितना अलग और कितना खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट भारत में सबसे पहले अक्टूबर 2020 में सामने आया था, लेकिन इसने कुछ महीनों बाद अप्रैल 2021 में कहर मचाया, जिससे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। वहीं ओमिक्रॉन ने 24 नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में पहली बार दस्तक दी। डेल्टा वेरिएंट अब तक न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 163 देशों में फैल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कुल कोरोना केसेस में 99% केसेस के लिए जिम्मेदार है। वहीं ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के महज एक हफ्ते के अंदर ही बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड समेत दुनिया के 19 देशों में फैल चुका है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ओमिक्रॉन इतना खतरनाक क्यों है। अब तक के रिसर्च के मुताबिक इसका जवाब है इसमें होने वाले म्यूटेशन। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेजी से म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट है। ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना में डेल्टा वेरिएंट में 18 म्यूटेशन हुए थे। अब जानते हैं कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट की आर वैल्यू 6 से 7 थी। इसका मतलब है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 लोगों तक फैला सकता है। वहीं ओमिक्रॉन की आर वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना ज्यादा मानी जा रही है। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित अकेले मरीज ही इस वायरस को 35 से 45 लोगों में फैला सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि डेल्टा वेरिएंट से मौत का खतरा 133% बढ़ा था, वहीं अब तक ओमिक्रॉन से किसी का मौत का मामला सामने नहीं आया है। वहीं अगर बात करें वैक्सीन की, तो जो वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर 63% एफिकेसी के साथ काम कर रही थी, उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आशंका है कि वैक्सीन इस वेरिएंट पर बेअसर हो सकती है। फिलहाल दुनिया भर के साइंटिस्ट की रिसर्च जारी है।